हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कैसे करना है और क्यों करना है। आपको पता ही है कि सरकार समय समय पर कुछ नया अपडेट करते रहते हैं, और अगर हम इनको लिंक नहीं किया तो हमें कौन-कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और आज हम इसी के संबंध में बात करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको और भी मैं कुछ नई जानकारी दे सकूं। और अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को अंत में लाइक और कमेंट जरूर करना। तो चलो दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट कि पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करना बहुत ज़रूरी है, और इसे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस कर दिया था कि इसकी जो डेडलाइन जो आखिरी टाइम होगा वो होगा 30 जून 2022, लेकिन इसे फिर से टाइम को एक्सटेंड कर दिया था, और जिसकी डेडलाइन 31 मार्च 2023 कर दी है। और अगर हम 31 मार्च 2023 से पहले इनको लिंक कर लेते हैं तो हमें किसी भी तरह का अन्य कोई भी फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। और इसके संबंध में गवर्नमेंट ने 31 मार्च के बाद 1,000 के पास फीस तय की गई है, जो एक आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए की जाएगी। और उससे पहले यह फीस 500 रुपये रखी गई थी, लेकिन अब इसको 500 रुपये और बढ़ा दिया गया है। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हम अगर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाएंगे तो हमें क्या दिक्कत हो सकती है, मैं इस पे भी बात करूंगा। जैसे कि आपको पता है कि पैन कार्ड दो मोड में होते हैं, इन ऑपरेटिव पैन कार्ड और एक होते हैं ऑपरेटिव पैन कार्ड। इन ऑपरेटिव और ऑपरेटिव, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो इन ऑपरेटिव पैन कार्ड है, इसका मतलब है कि आपका पैन कार्ड तो है पर वह अयोग्य है, कि उससे आप किसी भी तरह की कोई ट्रांजैक्शन या किसी भी तरह के किसी भी डॉक्यूमेंट्स में अगर आप लगाते हो तो वो अमान्यता सही नहीं माना जाएगा, और उसे वह सरकार रद्द कर दिया जाएगा। और किसी भी बैंक एंट्री अगर आप करते हो, कोई भी बैंक एंट्री कुछ भी, तो उसमें वो जुर्माना आपको भरना पड़ेगा अगर आप इसे लिंक नहीं करवाते। और अगर आप इसे लिंक करवा लेते हैं तो उसे ऑपरेटिव मोड माना जाता है। इसका मतलब है कि आपका पैन कार्ड काम कर रहा है, इसे सरकार भी मान्यता प्राप्त है, इसे किसी भी बैंक एंट्री में कोई जुर्माना नहीं लगेगा। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि जैसे कि अगर हम 31 मार्च तक इसे लिंक नहीं करते और उसके बाद अगर हम अगस्त सितंबर में जाके इसे लिंक करते हैं, तो जो बीच का फासला था, अप्रैल मई जून जुलाई, ये जो 4 महीनों में आपने जितनी भी ट्रांजैक्शंस आपके बैंक की तरफ से की हैं, तो उन 4 महीनों में जितना भी जुर्माना होगा वो आपको पे करना पड़ेगा, या आपके अकाउंट से वो पेमेंट
कट कर ली जाएगी। और अगर आप 31 से पहले इसे लिंक कर लेते हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई जुर्माना पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये था इन ऑपरेटिव और ऑपरेटिव, इसलिए आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक कर लें ताकि आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड ऑपरेटिव मोड में काम करे, आपको किसी तरह का कोई जुर्माना या किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। या किसी तरह की कोई हम अपने बैंक से लेन देन करते हैं तो उसका जो जुर्माना तय हुआ है वो है भारत सरकार की तरफ से 10,000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। और अगर आप 31 से पहले इसे लिंक करवा लेते हैं तो आपकी जो फीस इन्होंने गवर्नमेंट ने तय की गई है 1,000 रुपये, आप उससे बच सकते हैं। और यह फीस सरकार 31 मार्च से पहले भी लगा सकती है, लेकिन दोस्तों जितना जल्दी हो सके मैं आपको यही कहूँगा कि जितना जल्दी हो सके आप अपने आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करवा लें ताकि आपको जो इसकी गवर्नमेंट फीस 1,000 रुपये तय की गई है वो ना लगे। और अगर आप फिर भी इसको अटैच नहीं करवाते तो आपको जो 10,000 रुपये का जुर्माना होगा आप उससे भी बच सकते हैं अगर आप इसे लिंक करवा लेंगे तो। इसे लिंक करवाने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल और साधारण है, आप इसे खुद से भी कर सकते हो। और अगर आप खुद से नहीं कर पाओगे तो आप किसी भी अन्य ऑनलाइन इंटरनेट कैफे से इसे अटैच करवा सकते हो। तो ये इसकी छोटी सी जानकारी जो मैंने आपके साथ साझा की है। अगर आप इस जानकारी से सहमत हैं, अगर आपको इस ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरा एक YouTube पर चैनल है जिसका लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया है। इस वीडियो के अंत में ये लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आपका मेरे पेज पर आ जाएंगे। और अगर आप इस पे क्लिक नहीं करके जाना चाहते तो आप YouTube पर मेरा चैनल सर्च कर लें गगन इंटरनेट नाम से, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। आप YouTube में सर्च करेंगे गगन इंटरनेट कैफे से तो मेरा चैनल कुछ ऐसे सर्च कर सकते हो। जैसे ही आप YouTube को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक वेब सर्च बार मिलेगा, आप यहाँ पे गगन इंटरनेट नाम गगन इंटरनेट जैसे ही आप इसे टाइप करके एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे मेरा चैनल आ जाएगा। आप इस पे क्लिक करके यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके मेरे को बताना ताकि मैं आगे की और भी इन्फॉर्मेशन आपको